गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वीबीटी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीएफटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, उससे पहले पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया था लास्ट, 6 3 नेगेटिव। इसमें आपके पास निकल Mn3, ठीक है, ये होता है D5S2, तो आपके पास बन गया ये D4। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास ऐसे था, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3 4। अब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई कि आपने क्या करना है, इसको बैक बॉन्डिंग करनी है, मतलब कि पीछे करना है। ठीक है, सपोज करो अगर मैं उसी थ्योरी से चलती हूँ तो मैंने इसे भी पीछे कर दिया और इसे भी पीछे कर दिया। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास ना ऐसे आ गया, और अब मतलब कि जो इसमें हमारे पास ज्योमेट्री आती है, अब हमने जब क्या करा, 6 अरेंज कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6। अब आपने ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है? सबसे पहली बात तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है। ठीक है, अब आप इस केस में हमने क्या किया, आप पहले वो देखो, इस केस में हमने क्या किया, ठीक है, 1 2 3 4। अब आपको, क्योंकि अब आपको 6 जो 6 जगह है आपको वो खाली चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि अगर आपने एक ही को क्या करा, बैक वो करा। अब आप पूछोगे कि मैम आपने दूसरे वाले को क्यों नहीं किया? अगर हम दूसरे वाले को कर रहे हैं तो ये वायलेट करता है हंस रूल को। अब अल्टीमेट लास्ट पे आपके पास D2SP3 आएगी या SP3D2 आएगी या SP3 आएगी। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं इसको भी कर देती तो आपके पास ये जगह खाली रह जाती, तो अब आपकी एक तो रिपल, अगर आप दोनों को पीछे ले जाते, बॉन्ड कर लेते, तो क्या होता, एक तो रिपल्शन होती, दूसरा क्या होता कि अगर आपने यहाँ पर दोनों कर लिया और एक बॉक्स यहाँ कर क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, जबकि आपका हंस रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो ऐसे तो हमारे पास ये खाली बच रहा था, तो इस केस में आप थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे पास क्या हुआ। आप कभी भी ऐसे मतलब सारे नहीं शो करोगे, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास रिपल्शन हो सकती है, और यहाँ पर एट लास्ट आपके पास एक वैकेंट ये बच रहा था आपके पास, जो ये यहाँ पर वैकेंट स्पेस बच रही थी, जो कि बचनी नहीं चाहिए, जो कि हंस रूल को वायलेट करनी थी। इसकी वजह से सिर्फ इसमें क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन को ही वो करा, बाकी आपने 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया। और हमेशा याद रखना, जो आप पहले भर रहे हो वो आप पहले लिखोगे, डी पहले भर रहे हो तो डी को पहले लिखोगे, D2S फिर पी, पी के तीनों है, तो D2SP3 इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। और एक और बात कि जब इस कॉम्प्लेक्स को पढ़ा गया ना, तो हमने देखा कि ये क्या था, पैरामैग्नेटिक था। अगर आप दोनों ऐसे दिखा देते फिर तो ये डायमैग्नेटिक होता, पर स्टडी में देखा गया कि ये क्या था, पैरामैग्नेटिक था। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, वैसे इतने कॉम्प्लेक्स आपको आते हैं, वो बाई चांस मुझसे दिया गया, पर आपको पता होना चाहिए कि हम इकट्ठे इनको क्यों नहीं करा, क्योंकि एक तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा क्या करता है, ये वॉयलेट कर रहा था हंस रूल को, और तीसरा देखा गया कि स्टडी में हमने क्या देखा गया कि जो ये कॉम्प्लेक्स था ना हमारा स्टडी में, वो हमने क्या पाया, हमारा ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, जबकि अगर हम दोनों को ही कर देते तो हमारा ये क्या आ रहा था, डायमैग्नेटिक, जबकि वो नहीं था। ठीक है, ये था बस इसके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं CFT, इसकी फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको दिया था वन ब्लैक एंड बेथेन, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें CFT दी थी। थोड़े अच्छे से समझना, क्योंकि ये बात तक आपके काम आएगी।
ठीक है, इनमें इन्होंने क्या कहा कि जो आपका जो वो था ना, हम पिछले उसमें कह रहे थे कि हमारे पास जो दो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो क्या थी, कोवलेंट थी। पर इन्होंने क्या कहा, जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो किसके बीच में था, एक तो था मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है, मेटल और लिगेंड मतलब नहीं, हम कह देते हैं अनायन और कटायन के बीच में अट्रैक्शन था। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो लिगेंड के पास लोन पेयर था और जो मेटल के पास खाली ऑर्बिटल थे ना, खाली ऑर्बिटल थे, उन दोनों की क्या हुई, अट्रैक्शन हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे के पास गए और वो, और अट्रैक्शन का मीडियम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक था। मेन इनका मतलब कि जो मेन जो कंसेप्ट था वो ये था कि इसमें जो हमारे पास अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और हमारे पास किसके बीच में होती है, या तो एनायन कैटायन के बीच में, या फिर लिगेंड के पास जो लोन पेयर थे, या फिर नेगेटिव चार्ज था, या फिर और किसके बीच में, जो मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स था। अब जो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, ये जनरली पढ़ी गई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें 6 लिगेंड होते हैं, और टेट्राहेड्रल वो होते हैं जिनमें हमारे पास 4 लिगेंड होते हैं। सपोज करो एग्जांपल है AB6, ये है ऑक्टाहेड्रल। जहां पर भी ऐसा हो ना, AB जहां पर लिगेंड 4 है तो आप क्या मानोगे, वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल के केस में आपने क्या देखा, हमारे पास क्या होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं। ठीक है, एक टर्म आती है हमारे पास, इसमें आएगी डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब है जब हमारे पास, जैसे ये हमारे पास ये थे ना, 1 2 3 4 5 डी था हमारे पास। ठीक है, अब जब ये जो डी सबशेल है, अगर ये सेम एनर्जी के हैं, सेम लेवल पे है, सेम एनर्जी के हैं, और जैसे कि इनमें अब ये खाली है बिल्कुल, तो मतलब कि ये डीजनरेट है। मतलब कि अगर आप ये सिंगल सिंगल बॉक्स ऐसे, मतलब ये देखो ना, और ये सबसे, तो मतलब कि ये क्या है, एक जैसे हैं। अगर अब भी ये क्या है, अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो अब भी डीजनरेट है। अब भी अब दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि अब भी क्या है, डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब होता है जब वो सेम मतलब कि एनर्जी और मतलब बिल्कुल सेम होते हैं ना, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिवीजन है, जो भी है वो सेम है, पर नॉन डीजनरेसी हम यूज करते हैं। डीजनरेसी ब्रेक होगी, ब्रेक कहाँ होगी, जैसे सपोज करो आपके पास ये 5 थे और उनमें से किसी एक में इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो एक में इलेक्ट्रॉन भरने से क्या हुआ, अब ये 4 तो एक जैसे रह गए, ये अलग हो गया, तो मतलब कि जहां डिफरेंस क्रिएट हुआ वहां पर डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, एक ये ओवरव्यू था कि कैसे है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे और इन ये जनरली पढ़ी जाती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही, 2 3 4। ठीक है, अब हमारे पास ये बी ब्लॉक है, मतलब कि बी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखना है, डी ऑर्बिटल। अब मैंने क्या बताया था, क्योंकि अब ये बिल्कुल सेम है तो ये क्या है, डीजनरेट स्टेट में। ठीक है, पर जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कुछ भी अट्रैक्शन वगैरह हुई तो क्या हुआ, ये डीजनरेट नहीं रहता और क्या कर देता, इसकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है। मतलब कि सबसे पहले ना, वैसे ये डीजनरेट जब हमने कुछ चीज वो करी कि जैसे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुई, तो ये क्या करता, थोड़ी सी इसकी एनर्जी क्या करती है, राइज करता है, एनर्जी का लेवल ऐसे जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने इसमें कुछ डी, ये हमारे पास क्या होता है कि है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन पर, इसकी क्या करती है, एनर्जी राइज कर जाती है। और जैसे ही हम इसको मतलब कि हम क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, जैसे कि अब इसकी डीजनरेसी ब्रेक हुई, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुई, तो ये क्या कर जाता है, ये जो ऑक्टाहेड्रल वाला है ना, ये ब्रेक कर जाता है इसमें।
मतलब ये तीन और दो में ऐसे टूट जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डीजनरेट था, उसकी एनर्जी क्या करती है, राइज करती है। जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं तो क्या होता है, ये हमारा टू में स्प्लिट हो जाता है। ये डी ऑर्बिटल एक्चुअली ये होता है ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा होता है। तो क्या होता है, ये दो में डिवाइड हो जाता है, ये होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। तो इसको ये जो लेवल होता है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। ठीक है, बैरी सेंटर कहा, और इसको हम जहां पर तीन ये ट्रिपली डीजनरेट होता है, ठीक है, ट्रिपली डीजनरेट को हम बोलते हैं टी टू जी, और इसको हम बोलते हैं डबली डीजनरेट को हम बोलते हैं ई जी। ठीक है, समझ आइए कि ये डीजनरेट था, थोड़ी एनर्जी हाई हुई, ये क्या कर गया, स्प्लिट कर गया, और स्प्लिट करता है ट्रिपली डीजनरेट में और डबली डीजनरेट में। टी का मतलब यहां पर है ट्रिपली डीजनरेट और हमारे पास ये है डबली डीजनरेट। ठीक है, अब ठीक है, हमने इसका नाम दिया ये बैरी सेंटर, ये टी टू जी और ये हो गया हमारा ई जी हो गया। ठीक है, अब ये याद रखना कि जो यहाँ पर, हाँ, अब जो हमेशा इस बैरी सेंटर से नीचे होगा, अब सपोज करो आपके पास है Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होगा 3d6, तो मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आपने जो बैरी सेंटर से नीचे होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें भरने हैं। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगी, एक और क्राइटेरिया है जिसमें हम पता चलेगा कि हमने फिलिंग कैसे करनी है। और यहां से इस बैरी सेंटर से इसका डिस्टेंस होता है 0.4, और हम इसको यहां से कहते हैं ऐसे, या हम इसको ऐसे कह देते हैं 4d³ और ये होता है 6d³, और इसका जो टोटल ये होता है डिस्टेंस वो होता है 10। ठीक है, ये इसकी मतलब आप यूनिट लगा लो या जो भी लगा लो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर क्या है, बैरी सेंटर से ये होगा 4d³, इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लो ठीक है 4d³, और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस है 6d³। ठीक है, अब ये हो गया हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। अब बात आती है कि जब आप फिलिंग करते हो, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कई बार, अब आगे आप देखोगे फिलिंग किसी और, अगर तो हमारा लीगेंड क्या होता है, वीक फील्ड होता है, वीक लीगेंड होगा, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है ना, हम इसको डेल्टा नॉट से भी दिखाते हैं। ठीक है, डेल्टा नॉट, अगर तो आपका डेल्टा नॉट का गैप, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक होता है वीक फील्ड। अब आपसे पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में फर्क क्या है। वीक फील्ड में क्या होता है कि आपकी जो ये डेल्टा नॉट होता है वो क्या होता है, आपका ज्यादा होता है देन पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है, अब मैं बताती हूँ वीक फील्ड में क्या होता है कि ये जो गैप होता है ना, ये क्या होता है, कम होता है। मतलब कि अगर हम ये ऐसे सिंगल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे ना तो उसमें कम एनर्जी लगती है, और अगर हम बाई चांस मैं पेयर कर रही हूँ ना तो उसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो हमें क्या करना है, एनर्जी हम मतलब कम से कम होनी चाहिए, जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना ज्यादा लो लेवल पे होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड वाले केस में क्या होता है कि सिंपल हमारे पास ये जो डेल्टा है इसका गैप क्या होता है, कम होता है, तो इजीली हमारा इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा, 1, 2, 3 और फोर्थ वाला हमने ऊपर पहुंचा दिया 5। अब सिंगल सिंगल करके फिर हमने पेयरिंग स्टार्ट करी। ठीक है, अगर ये नहीं है कि अब मैं कह रही हूँ कि पेयरिंग में हमारी एनर्जी ज्यादा लग रही है तो हम करेंगे ही नहीं, मतलब एक ऑप्शन है आपके पास कि अभी यहाँ पर, अब आपके पास कोई यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है,
कि अब आपको पेयरिंग करनी ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपने ऊपर वाले भी भर दिए हैं, तो वो मतलब वो केस अलग है, पर पहले आप सिंगल सिंगल भरोगे फिर पेयरिंग करोगे। पर जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है ना, तो हमारे क्या होता है, ये जो गैप है ना ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि ऐसा होता है, अब ये बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो 1, 2, 3 अब ये ऊपर जाने में ना, मतलब कि इस ऊपर वाले लेवल में जाने के लिए क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है और पेयरिंग में कंपैरेटिवली कम एनर्जी चाहिए होती है। तो इस केस में जब हमारे पास वीक फील्ड होंगे तो आपकी क्या होगी, पेयरिंग नहीं होती, पर जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाता है तो आपकी क्या हो जाती है, पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। क्यों पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डेल्टा इसका गैप है ना ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल मान लो कि नीचे से ऊपर नहीं जा पाता है, इसी वजह से हम क्या कर देते हैं कि ऊपर तो जा नहीं पा रहा है तो हम पेयरिंग कर देते हैं। पर जैसे आप सपोज करो पेयरिंग भी होगी, स्टिल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास भरा है, मतलब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो जब ये फिल हो गए फिर तो ऊपर जाएगा ही जाएगा चाहे कितनी भी एनर्जी लगे, पर एक जब अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं नीचे भी रह सकता हूँ तो वो नीचे रहना ज्यादा प्रेफर करता है देन ऊपर जाने से, क्योंकि ऊपर जाने में जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लग रही थी। ठीक है, समझ रहे हो कि कैसे हुआ ये। ठीक है, इसमें बस यही है कि जो डीजनरेट था डी ऑर्बिटल, उस एनर्जी थोड़ी सी बढ़ाई इसकी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुआ तो ये दो में डिवाइड कर गया, एक तो हो गया ट्रिपली डीजनरेट, एक हो गया डबली डीजनरेट। ठीक है, ट्रिपली में क्या होता है dxy, dyz, dzx, और डबली में क्या होता है dx2 - y2 और dz2। ठीक है, हमने इसको क्या कहा, ईजी कहा। ठीक है, ये जो बीच वाला होता है ये हमारा क्या होता है, बेरी सेंटर होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये जो गैप है ये 4dq और 6dq है। ठीक है, एक 6dq है, या फिर हम आप इसको, और जो इसके बीच का डिस्टेंस है टोटल क्या है 10dq, पर अगर आपने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.6 डेल्टा नॉट और ये होता है 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, और जो टोटल होता है वो उसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट, वो 1 डेल्टा नॉट हो जाएगा ना जब हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है दूसरी बात कि स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का, अगर तो वीक फील्ड होता है, ये चीज हमेशा याद रखना, थोड़ी कंफ्यूजिंग सी हो जाती है जो मैंने बताया कि वीक फील्ड, आपने ध्यान रखना कि वीक फील्ड है तो मतलब कि हमारा जो डेल्टा है वो क्या है। आप एक चीज याद रख लो कि स्ट्रॉन्ग में क्या होती है, क्योंकि हमने पीछे भी याद करा कि स्ट्रॉन्ग में क्या हुई, हमारी पेयरिंग होती है। अब वो पेयरिंग की कंडीशन क्यों आई, क्योंकि गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब गैप जब बहुत ज्यादा हो गया तो इसके लिए एनर्जी ज्यादा लग रही थी देन पेयरिंग के, तो हमने क्या सोचा, चल पेयरिंग ही कर लेते हैं, जिसमें एनर्जी कम होगी वो ही ज्यादा स्टेबल होगा। और इसी के जस्ट रिवर्स क्या होगा, वीक फील्ड में एक को याद कर लो और दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि कैसे हुआ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज वीक है और कौन सा लिगेंड हम आपके पास स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए आपके पास इन्होंने दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी, इसमें आपके पास, मैं आपको लिखवा देती हूँ, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में लिगेंड्स लगे हुए, Br, HCN, Cl, H2, F-, OH-, C2 ऑक्सलेट आ गया हमारे पास, वाटर आ गया, NCS आ गया, EDTA आ गया, EDTA आ गया, EN, NH3 आ गया, EN, CN, CO। तो इनका मतलब है जो ये वाले लिगेंड्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये वाले लिगेंड्स जो हैं वो क्या हैं, वीक लिगेंड्स। आपको इनका इस सीरीज का आइडिया होना चाहिए, नहीं आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसमें से। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया इसका लेकर रखो कि क्या कैसे है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। तो
थोड़ा अब आपको अगर आप आया शॉर्ट नोट में कि आपने कैसे एक्सप्लेन करोगे ऑक्टाहेड्रल को, तो सबसे पहले आपने बताना है कि इसमें सीएफटी में क्या हुई थी, हमने मेन पॉइंट हमारा क्या है कि इसमें हमने लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस, ठीक है। और ये जनरली हमने ये जो सीएफटी होती है डी ऑर्बिटल्स में होती है, तो डी ऑर्बिटल पहले हमारा डीजनरेट होता है, फिर उसकी एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाती है, फिर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो दो ऑर्बिटल्स में स्प्लिट कर जाता है, जिसमें से एक होता है ट्रिपली डीजनरेट और एक होता है डबली डीजनरेट। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में क्या होता है, जो ट्रिपली डीजनरेट होता है ना, मतलब जिस ये याद रखना जिसकी एनर्जी कम होगी ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो एनर्जी का ऑर्डर तो ऐसा था। तो हमने क्या देखा कि जो T2G था वो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या था, नीचे था, तो मतलब कि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है कम, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल है। और कंपैरेटिवली ईजी से जो T2G है वो हमारा लोअर एनर्जी पे आता है और ईजी हमारा आता है हाई एनर्जी पे। नेक्स्ट आप जब बात करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लीगेंड पे। अब लीगेंड हमारे दो तरीके के होते हैं, फिर एक होते हैं वीक फील्ड, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमेशा मतलब एक लिखना मत पहले, पर ऐसे याद रखना, स्ट्रॉन्ग में क्या होती है, पेयरिंग होती है, और पेयरिंग क्यों हुई कि गैप बहुत ज़्यादा था, इसलिए मतलब कि गैप बहुत ज़्यादा था तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही थी, कि ये जो डेल्टा नॉट था वो बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से हमें क्या करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि छोड़ो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। तो इस केस में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो हमारी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसकी वजह से हमने क्या करा, यहाँ पर पेयरिंग होगी। वाइल जब हमारे पास वीक फील्ड होता है तो हम क्या करते हैं कि हम मतलब कि हमारी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरीके से हमारे फिल होते हैं, ठीक है। और बस इसमें और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक टर्म आती है और ये मैंने बताया ना, डेल्टा नॉट जहां ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पर आपका गैप बहुत ज्यादा होगा, उस केस में हमारे पास क्या होगा, इसको हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो मतलब कि जो वो लीगेंड्स है ना, जो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स हैं, वो बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और जो हमारे वीक फील्ड लीगेंड्स हैं वो हमारे बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखो आप किसी एक का याद कर लो, क्योंकि दोनों का याद करते हैं तो हमें कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है कि किसका क्या था, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो कि आप एक का याद कर लो, मेरे ख्याल में इसका याद करना ज्यादा अच्छा है कि हमारे पास पेयरिंग हुई तो पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लगी, तो हमने क्या करा, डेल्टा जो हमारे पास डेल्टा नॉट था वो बहुत ज्यादा था, तो और पेयरिंग क्या थी, पेयरिंग की एनर्जी कम हो रही थी, इसलिए हमने क्या करा, हमने पेयरिंग शो कर दी। और पेयरिंग कौन शो करता है, स्ट्रॉन्ग वाले, और स्ट्रॉन्ग वाले क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कई बार आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो थोड़ा इसका नोट बना लेना कि कौन सा क्या है, और जैसे जैसे मैंने लाइन वाइज बताया आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑक्टाहेड्रल जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम नेक्स्ट टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल में सिर्फ फर्क पता क्या होता है, सेम एनर्जी ज्यादा होगी बस। जब ये स्प्लिट करता है ना, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, नीचे आता है डबली डीजनरेट और ऊपर आता है, और हम इसे खाली ई बोलते हैं, ई, और ये होता है टी, ठीक है, बस, और फर्क कुछ नहीं होता, यही वही बेरी सेंटर है। अब ई का गैप क्या था, 6DQ, और इसका गैप क्या था, 4DQ, बस। बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो पहले क्या होगी, पेयरिंग होगी, पर अगर वीक होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, फिर इसमें क्या होगी, पेयरिंग होगी, ठीक है। तो हम अब इसमें
और कुछ नहीं है उसे करने वाला, सिर्फ यही है कि आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा आप लिख लेना कि कैसे करोगे, कि टेट्राहेड्रल में भी क्या होता है, मतलब कि अगर कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द स्प्लिट इन कॉम्प्लेक्सेस ए बी फोर टाइप। ए बी फोर मतलब कि फोर से आपको पता चल जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल की बात करें कि पहले डी ऑर्बिटल है वो क्या है, डीजनरेट है, उनकी एनर्जी थोड़ी, और एनर्जी ऐसे शो करना है ई, मतलब नीचे से ऊपर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हमारे पास ये थोड़ा मतलब हाई एनर्जी में आता है, जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं तो दो में स्प्लिट हो जाते हैं, और वो स्प्लिट होते हैं ई और टी टू में, ठीक है, और बैरी सेंटर होता है इनके बीच में, और इनके बीच का गैप जो पूरा डिस्टेंस होता है वो 10 dq का होता है, ये गैप जो होता है 10 dq का होता है, और ई वाला हमारा लोअर एनर्जी पे होता है, टी टू हमारा हायर एनर्जी पर होता है। थोड़ा आपने इसको एक्सप्लेन कर देना, और ये आपकी स्प्लिटिंग शो करती है टेट्राहेड्रल में। स्प्लिटिंग में फिर वही लिगेंड्स, लिगेंड्स का कंसेप्ट जो होगा वो लो स्पिन और हाई